सीहोर जिले के इछावर जनपद पंचायत के परिसर में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। शासन के खिलाफ क्रमबद्ध हड़ताल पर आंदोलन की करने की चेतावनी दी है। छठे वेतनमान की गणना सही तरीके से नहीं होना, सातवां वेतनमान नहीं दिया जाना, रोजगार सहायकों को नियमितकरण नहीं किया जाना, पंचायत सचिव पर नियुक्त नहीं कर पाना, उपयंत्री और ऑपरेटर की अनेक समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं होना, दो वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं लगाना जैसी अनेक मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी अधिकारी द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। मांगे पूर्ण नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने, क्रमबद्ध आंदोलन करने की शासन को चेतावनी दी गई है। आदर्श न्यूज के लिए इछावर से पत्रकार राहुल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पंचायत इछावर से हुए और कल जो है हमारे संयुक्त मोर्चा की बैठक माननीय मंत्री महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ हुई थी, उसमें जो है कोई सहमति नहीं बनी है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक जो है ये हड़ताल कंटिन्यू जारी रहे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे पहले तो छठा वेतन की गणना 2018 से की जाए और रोजगार सहायक को नियमित किया जाए और